नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेफ्ट राइट लेफ्ट। और एक ऐसा YouTube चैनल है जो आपके सभी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया है, चाहे वो NDA का एग्जामिनेशन हो, CDS का एग्जामिनेशन हो, आपका FCAT का एग्जामिनेशन हो या CAPF का एग्जामिनेशन हो। ठीक है, ये सारे एग्जामिनेशन की रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। जल्दी हम यहाँ पर डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद जो SSB इंटरव्यू होता है उसकी भी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर कोर्सेज आपके लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल होने वाला है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो हमारी दो यहाँ पर सीरीज चल रही है, एक पे हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जो दूसरा हमारा सीरीज है उसमें हम बायोग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फेमस पर्सनैलिटीज़ की। ठीक है, तो उसमें परमवीर चक्रा स्टोरीज भी हमने स्टार्ट किया है। तो आज मैं एक और बायोग्राफी आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं आज। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आई हैव क्वालिफाइड UPSC CDS CAPF एंड FCAT एग्जामिनेशन मल्टीपल टाइम्स और साथ ही साथ मैं एक अन अकेडमी पर एक्टिव एंड वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। तो आप मुझे इस लिंक के थ्रू वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस करके अपने डिफेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे को एजुकेटर हैं संजय कुमार सिंह सर, एक्स इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस करेस्पॉन्डेंट। तो ये यहाँ पर GS के कोर्सेज बनाते हैं डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये भी एक अन अकेडमी पर एक्टिव एंड वेरीफाइड एजुकेटर हैं, आप इन्हें भी इस लिंक के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, तो हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस करके अपने डिफेंस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, जो भी वहाँ पर स्टडी मटेरियल PDF आपको प्रोवाइड करी जाती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप उसके थ्रू क्विक रिविजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज देखते हैं आज का हमारा जो ये बायोग्राफी है किसकी है। तो आज ही न्यूज़ में आया है कि 31 मई को हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे और अभी जो है उनका नाम है एडमिरल सुनील लांबा। ठीक है, तो ये अभी एडमिरल सुनील लांबा जी जो हैं ये 23rd चीफ हैं। ठीक है, सुनील लांबा ये 23rd चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो इन्हें रिप्लेस करेंगे और अभी वाइस एडमिरल है ये करमवीर सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, PV स्टैंड फॉर परम विशिष्ट सेवा मेडल और AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये दोनों अवार्ड इनको मिले हैं। ठीक है, तो ये फोर्सेस के अवार्ड होते हैं जो कि यहाँ पर पीस टाइम एंड वॉर टाइम में दिया जाता है, जैसे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल होता है, तो पीस टाइम पर दिया जाने वाला ये अवार्ड है परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड अति विशिष्ट सेवा मेडल। तो ये फोटो है, इनका नाम है वाइस एडमिरल करमवीर सिंह जो कि भारत के अगले नौसेना प्रमुख होंगे। तो उनकी बायोग्राफी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इनकी ब्रांच क्या है, कब ये कमीशन हुए थे, कौन सी एंट्री के थ्रू है, कहाँ से है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइस एडमिरल करमवीर सिंह PVSM AVSM, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अवार्ड होते हैं। ठीक है, परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, अति विशिष्ट सेवा मेडल और इसके नीचे होता है विशिष्ट सेवा मेडल। तो PVSM AVSM VSM हो गया, और जो इक्विवेलेंट होते हैं वॉर टाइम में जो दिए जाते हैं उसको बोलते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड युद्ध सेवा मेडल। ठीक है, तो ये याद करना आप। ठीक है, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र होता है, यहाँ पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र होता है, उसी तरीके से सर्विस ये मेडल्स होते हैं जो यहाँ पर दिए जाते हैं। इज द करंट कमांडर इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड, जो ईस्टर्न नेवल कमांड है हमारी उसके अभी ये चीफ है। टोटल तीन कमांड इंडियन नेवी की, ठीक है, वेस्टर्न कमांड जो है ये मुंबई में है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी ईस्टर्न कमांड है ये विशाखापट्टनम में है, वाइजाग जिसको हम बोलते हैं, और सदर्न कमांड जो है ये हमारा कोच्चि में है। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तीन कमांड है। तो ये अभी जो ईस्टर्न कमांड थी नेवल कमांड उसके ये यहाँ पर चीफ थे। वाइस एडमिरल रैंक जो होती है सेकेंड रैंक होती है टॉप से, ठीक है, उससे पहले एडमिरल होता है उसके बाद यहाँ पर वाइस एडमिरल आता है। ठीक है, जो यहाँ पर 5-स्टार रैंक होती है जिसको हम बोलते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जैसे फील्ड मार्शल होते हैं ना उसी तरीके से यहाँ पर होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, लेकिन एडमिरल ऑफ द फ्लीट आज तक कोई बना नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया द ग्रे ईगल सीनियर मोस्ट सर्विंग एविएटर, ठीक है, ऑफ द नेवी, मतलब कि हमारे आर्म फोर्सेस में क्या होता है कि जो चीफ बनता है ना वो सबसे जो सीनियर मोस्ट यहाँ पर पर्सनल होता है उसको बनाया जाता है। ठीक है, जब हमारे जो जनरल बिपिन रावत है इनको बनाया गया था तब इन्होंने दो सीनियर को ओवर पास किया था, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें जो सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं नेवी आर्मी एयरफोर्स के उनको यहाँ पर चीफ बनाया जाता है। ठीक है, तो इनके लिए टर्म यूज किया गया ग्रे ईगल। ही विल रिप्लेस एडमिरल सुनील लांबा एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आफ्टर एडमिरल लांबा रिटायर्स ऑन द 31st मई 2019।
31 मई 2019 को ये रिटायर होंगे और ये यहाँ पर उन्हें रिप्लेस करेंगे. ही विल बी द 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. ठीक है, तो इससे पहले जो सुनील लामा जी थे वो 23rd थे और ये जो बनेंगे ये 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है. तो ये फोटो देख सकते हैं आप इनकी. ठीक है, देख सकते हैं कितना यहाँ पर ये मेडल्स लगे हुए. देखिए अभी ये वाइस एडमिरल है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 स्टार रैंक लगी हुई है. ठीक है, जब एडमिरल बन जाते हैं तो क्या होता है, 4 स्टार रैंक हो जाते हैं. जैसे इनकी रैंक में देखिए ये कॉलर है ना, तो ये यहाँ पर 4 स्टार हो गया है. इनके में ये वाइस एडमिरल तो ये 3 होता है, फिर रियर एडमिरल होता है तो 2 स्टार होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, ये है हमारे एडमिरल सुनील लामा जी, इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं. एडमिरल सुनील लामा जी जो इनका जो स्पेशलाइजेशन था ना, ये था नेविगेशन एंड डायरेक्शन में. ठीक है, ये है नेविगेशन एंड डायरेक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इनके में देखिए जो विंग्स होती है ना फ्लाइंग वाली, वो नहीं लगी हुई है, लेकिन इनके में आप देख सकते हैं ये विंग्स लगी हुई है. ठीक है, मतलब ये पायलट है. ठीक है, ये पायलट नहीं थे. तो यहां पे लिखा हुआ है कि बोर्न टू एन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर इन जलंधर पंजाब, एडमिरल सिंह इज अ सेकंड जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर. ठीक है, मतलब इनके पिताजी जो थे वो भी एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे, तो ये सेकंड जनरेशन मिलिट्री ऑफिसर हो गए. और ये बिलोंग कहां से करते हैं, ये करते हैं जलंधर पंजाब से बिलोंग. ठीक है, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह. ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा, वो भी नेवी आर्मी से बिलोंग करते हैं. ही अटेंडेड द बार्नेस स्कूल इन डियोलाली. ठीक है, डियोलाली में आर्टलरी स्कूल है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है, आर्टलरी स्कूल कहाँ पर है, आर्टलरी स्कूल जो है ये हमारा डियोलाली में है. बिफोर द ज्वाइन द 56th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी. ठीक है, तो इन्होंने 56th कोर्स के थ्रू यहाँ पर नेशनल डिफेंस अकेडमी जो खड़गवासला पुणे में है उसको ज्वाइन किया था, वेयर ही वॉज इन हंटर स्क्वाड्रन. ठीक है, जैसे मैंने आपको कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताया था ना, वो माइक स्क्वाड्रन में थे, ये किस में थे, ये थे हंटर स्क्वाड्रन में. ही इज एल्यूमिनस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज. ठीक है, जो वेलिंगटन में है वहाँ की एल्यूमिनस है. यहाँ पर स्टाफ कॉलेज आपको करना होता है, ये मैंने आपको बताया था, जो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे अपने वीडियो में, तो यहाँ के ये एल्यूमिनस थे. और एंड द कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर जो कि मुंबई में लोकेटेड है, इसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा. नेवी के इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बताएंगे तो नेवी के जो ऑफिसर होंगे वो काफ़ी खुश होंगे कि आप नेवी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ के आए. तो कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर मुंबई के भी है एल्यूमिनस. ही वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी इन जुलाई 1980. ठीक है, तो 1980 में इनका कमीशन हुआ था. एंड अर्न हिज विंग्स एज अ हेलीकॉप्टर पायलट इन 1982. ठीक है, तो वहां से कमीशन हुआ. कमीशन के बाद इन्होंने इन्हें एविएशन ब्रांच मिली, जहां पर इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको हेलीकॉप्टर जो उड़ाने का है वो वाले पायलट बनाए गए. याद रखिएगा जो नेवी के पायलट्स होते हैं ना, इनकी भी ट्रेनिंग IFA में होती है. ठीक है, जो इंडियन एयरफोर्स अकेडमी है ना वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है. ही हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद द HAL चेतक, कमो K-25 एंड कमो K-28 हेलीकॉप्टर्स. ठीक है, तो तीन टाइप के हेलीकॉप्टर में इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. एक है HAL चेतक उड़ाते हैं, कमोव K-25 और कमो K-28 हेलीकॉप्टर जो है वो इनका स्पेशलाइजेशन है. द एडमिरल हैज कमांडेड द कोस्ट गार्ड शिप. ठीक है, पहले आपको पता है ना कि कोस्ट गार्ड को जो लीड करते थे वो इंडियन नेवी के ही वाइस एडमिरल रैंक के ऑफिसर्स होते थे जो वहां पर लीड करते थे. लेकिन अभी जो वहां पर इनके डायरेक्टर जनरल बन गए हैं वो है राजेंद्र सिंह. ठीक है, वो पहले कोस्ट गार्ड एंट्री से बने हुए ऑफिसर है जो वहां पर कोस्ट गार्ड को लीड कर रहे हैं. ठीक है, ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है चांद बीबी जिसको यहाँ पर लीड किया था. ठीक है, द कॉर्बेट INS विजय दुर्ग. ठीक है, एंड द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS राणा एंड INS दिल्ली. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा, ये डिस्ट्रॉयर है सारे. ठीक है, तो ये राजपूत क्लास है, राजपूत राणा रणविजय. ठीक है, दिल्ली मैसूर मुंबई दिल्ली क्लास शिप है ये सारे. तो यहां पर इन्होंने क्या किया था, इस सभी को यहां पर लीड किया है, यहां पर ये हेड थे. ऑन प्रमोशन टू द फ्लैग रैंक. फ्लैग रैंक क्या होती है, जैसे मैंने आपको ये फोटो में दिखाया था ना, ये जो लगे हुए हैं ये बेसिकली यहां पर फ्लैग को डोनेट कर रहे हैं. इनकी आप जो व्हीकल होता है ना, व्हीकल में भी देखेंगे ना तो एक फ्लैग लगा होता है. फ्लैग में फिर गाड़ी के आगे स्टार लगे होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार, तो उसमें देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैग रैंक. ठीक है, ऑन प्रमोशन टू द फ्लैग रैंक द एडमिरल वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड. ठीक है, तो जब ये फ्लैग रैंक पर आए तो इनको चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड यहां पर बना दिया गया था. हिज अनदर इंपॉर्टेंट फ्लैग अपॉइंटमेंट्स इंक्लूड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ट्राई सर्विस यूनिफाइड कमांड ऑफ एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का मिलाकर एक कमांड है. तो ये जो ट्राई सर्विस यूनिफाइड कमांड है अंडमान एंड निकोबार में, वहां के भी ये चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए थे. फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात नेवल एरिया. जो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र और गुजरात नेवल एरिया है जिसको फोमक बोलते हैं. ठीक है, तो वहां के भी ये यहां पर चीफ थे. इन द कैरियर स्पेनिंग क्लोज टू 39 ईयर्स ही हैज बीन अवॉर्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल एंड द अति विशिष्ट सेवा मेडल. तो इनका जो पूरा का पूरा कैरियर था
ठीक है, वो 39 ईयर्स का है, जिसमें इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो गाइज ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये सुनील लांबा जी हैं। ठीक है, ये अभी एक चीज और याद रखिएगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो इसमें क्या होते हैं कि जो आर्मी के चीफ है, नेवी के चीफ है और एयरफोर्स के चीफ है, आर्मी नेवी और इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है, उसमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट यहां पर होते हैं उनको बनाया जाता है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। तो इस टाइम पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो सुनील लांबा जी हैं। ठीक है, इस टाइम पे कौन है, वो है सुनील लांबा जी। तो जब इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा तो अब आर्मी और एयरफोर्स में से जो सीनियर होंगे उनको बनाया जाएगा, बिकॉज अभी जो यहां पर बनेंगे, ठीक है, जो वाइस एडमिरल है अभी करमवीर सिंह जी, ये यहां पर सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो इनको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था कंप्लीट डिस्कशन भारत के अगले नौसेना प्रमुख के बारे में, जो कि है वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये नॉलेज अपडेट कर लीजिएगा, 31 मई 2019 को ये नए नेवी चीफ यहां पर बन जाएंगे। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज लेसन को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, एंड डू सब्सक्राइब माई आवर चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट।